Hi, my name is Mary. Today FM plays the best music in Lambasa. Today FM rocks. My name is Thomas. I'm here in Nakasi and I like to listen to Today FM because it rocks. And my name is Milenia. Today FM rocks here in Singotoka. My name is Enrique and Today FM rocks here in Tawa. My name is Mary Jane. I love listening to Today FM here in Ba. Today FM rocks. My name is Ilai Tiambale and I love listening to Today FM. Today FM rocks here in Osun. Today's hit music on... फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं केतरिन कृष्णा। अटॉर्नी जनरल अयाज सईद कयूम ने कहा है कि सरकार ऐसे निर्णय ले रही है जिससे सभी को फायदा हो। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट प्रिंट लिमिटेड और फीजी पोर्ट्स कॉरपोरेशन के शेयर्स में डाइवेस्टमेंट की वजह से नुकसान नहीं हुआ है बल्कि फायदा। सईद कयूम ने कहा कि गवर्नमेंट प्रिंट लिमिटेड को फीजन होल्डिंग्स लिमिटेड को बेचने के बाद कई ओवरसीज प्रिंटिंग मार्केट ने प्रिंटिंग के लिए दिलचस्पी भी दिखाई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पोर्ट्स के शेयर्स को डाइवेस्ट करने के बाद कार्गो हैंडलिंग में 60% का फायदा हुआ है। सईद कयूम ने कहा कि सरकार के कुछ एसेट्स को डाइवेस्ट नहीं किया जाएगा जबकि कुछ को पार्शियली डाइवेस्ट और कुछ को बेचा जाएगा। फिजी शुगर कॉरपोरेशन के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल खान पर छानबीन की जा रही है। मिनिस्टर फॉर शुगर वोरेंगे बैनीमरामा ने इस बात की पुष्टि की है जबकि संसद में नेशनल फेडरेशन पार्टी के लीडर प्रोफेसर बीमन प्रसाद ने उनसे ये जानना चाहा कि क्या छानबीन जारी किया गया है या नहीं। बैनीमरामा का कहना है कि फिलहाल वे इस पर और ज्यादा जानकारी नहीं देंगे जबकि इससे छानबीन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बैनीमरामा का कहना है कि छानबीन पूरा होने पर संसद को इसकी जानकारी दी जाएगी। फ्रीसोल रियल एस्टेट डेवलपमेंट लिमिटेड जो मलोलो आइलैंड पर एक रिसोर्ट का निर्माण कर रहे थे ने पुष्टि की है कि कंपनी ने कुछ कंडीशंस का उल्लंघन किया है। लैंड्स मिनिस्टर अश्नेल सुधाकर ने कल रिसोर्ट डेवलपर के साथ मीटिंग के बाद ऐसा कहा। फ्रीसोल ने कल लैंड्स और एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स के साथ लोतोका में मुलाकात की। मिनिस्टर ने कहा कि कंपनी ने पुष्टि की है कि वे दिए गए लीसेस का पालन करेंगे। और खेलकूद की खबरों में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अगले सप्ताह वेस्टर्न डिवीजन में एंटी डोपिंग तथा ड्रग पॉलिसी अवेयरनेस पर और जागरूकता फैलाएगी। आज संसद में अपना मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट देते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्टर परवीन बाला ने बताया कि पहली बार देश में एक पैसिफिक रीजनल सेमिनार होगा ताकि ड्रग्स को स्पोर्ट्स से दूर रखा जाए। बाला ने बताया कि सेमिनार का मुख्य लक्ष्य है कि स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में मैनिपुलेशन यूरोप कन्वेंशन को रेटिफाई किया जाए। मिनिस्टर ने कहा कि इस संबंध में दो सप्ताह पहले सेंट्रल ईस्टर्न और नॉर्दर्न डिवीजन के खिलाड़ियों से बातचीत की गई है। और ये थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे इन समाचारों को आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम पर भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Dates, I always listen to Gold FM. Only the classic hits in Lambasa. Bula, my name is Miriamma. For the best news updates, I only listen to Gold FM here in the Kasi. Gold FM, only the classic hits.